भाजपा युवा मोर्चा के तत्वावधान में बेनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय पर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के अवसर पर अटल भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लिखित कविता को भाषण प्रतियोगिता में स्थान दिया। इस अवसर पर भाजपा के महानगर महामंत्री अच्युतानंद शाही ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से निश्चित रूप से देश के निर्माण में युवाओं की महती भूमिका के मजबूत इरादों को बल मिलता है। अटल जी का जीवन सदैव युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करेगा, जिसके संबंध में भाजपा युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष सत्यार्थ ने बताया कि भारतीय जनता युवा मोर्चा गोरखपुर महानगर कार्यक्रम को कराने के उपरांत गर्व की अनुभूति महसूस कर रहा है और गोरखपुर के युवाओं को सम्मानित करने पर हर्ष महसूस करता है। इस प्रकार के आयोजनों से निश्चित रूप से युवाओं की प्रतिभा को भारतीय पटल पर आने का अवसर प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि भाषण प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले कार्यकर्ताओं को गोरखपुर क्षेत्र में भेजा जाएगा। उसके बाद क्षेत्र से 3 लोग प्रदेश में जाएंगे और भाजपा के बड़े नेता प्रदेश लेवल पर सम्मानित करेंगे और हर प्रदेश से 3 लोग दिल्ली जाएंगे, वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य दिल्ली में सम्मानित करेंगे। इस अवसर पर रजत गुप्ता, विशाल पांडे, अभिनव एबट, हर्ष श्रीवास्तव, आकाश श्रीवास्तव, आलोक आनंद, अभिषेक श्रीवास्तव, रामकेश त्रिपाठी, सौरभ दुबे, दुर्गेश पाल, आनंद मिश्रा, अनामिका सिंह, शुभम मिश्रा, राहुल पांडे, विजय जायसवाल, शिवम सिन्हा, रंजीत गुप्ता, केसरी नंद, अनमोल अग्रहरी, साकेत सिंह तथा अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष सत्यार्थ मिश्रा ने कहा, विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया करके अपने स्थान पर खड़े होकर के वंदे मातरम गीत गान के लिए शुरुआत करें। मैं स्वागत करना चाहता हूं हम सभी के बीच में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के लोकप्रिय क्षेत्रीय मंत्री व इस कार्यक्रम के संयोजक ऐसे बड़े भाई अभिषेक दुबे जी, आपका खूब इस कार्यक्रम में मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। श्री सत्यार्थ मिश्रा जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय अच्युतानंद शाही जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के लोकप्रिय महामंत्री व इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय श्री रजत गुप्ता जी से के बारे में की एक कविता पेश करना चाहूंगा। भूखों को गोली, नंगों को हथियार दिलाए जाते हैं। भूखों को गोली, नंगों को हथियार दिलाए जाते हैं। सूखे कंठों से जिहादी नारे लगवाए जाते हैं। सूखे कंठों से जिहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर कराची ढाका पर मातम की है काली छाया। लाहौर कराची ढाका पर मातम की है काली छाया। पख्तनों पर गिरगिट पर है गमगीन गुलामी की छाया। बस इसीलिए कहता हूँ आजादी अभी अधूरी है। बस इसीलिए तो कहता हूँ आजादी अभी अधूरी है। थोड़े दिन की मजबूरी है, थोड़े दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिरगिट से लेके गारो का पूरा सम्राट बनाएंगे। दिन दूर नहीं पंडित भारत का पूरा अखंड बनाएंगे। उज्ज्वल दिवस के लिए आज से कमर कसे बलिदान करे। आज से कमर कसे बलिदान करे। जो पाया उसमें खो ना जाए, जो खोया उसका ध्यान करे। और हम कहीं भी गए आसानी से हम कैसे भी टिकट भी बुक कर सकते हैं ट्रेन के बारे में। और नरेंद्र मोदी जी के इस अभियान से हमारे देश में बढ़ती बेरोजगारी से छुटकारा पाके। हमारे आज पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता युवा मोर्चा आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी के नेतृत्व में पूरे भारत के हर जिलों में
अटल जी की जन्म जयंती पर अटल जी का एक भाषण प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिला स्तर पे। इसमें दो तीन स्वरूप बनाए गए हैं, जैसे हर जिले में 50 लोगों को आज 3-3 मिनट भाषण देना है। विषय 4 विषय हम लोगों ने दिया हुआ है, जैसा आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता और नॉन बीजेपी कार्यकर्ता इसमें भाग ले रहे हैं, जो कॉलेज इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं। यहाँ से 50 लोग बोलेंगे, उसमें से 3 प्रथम द्वितीय और तृतीय, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आएगा उसको गोरखपुर क्षेत्र में, वो क्षेत्र में जाएगा। फिर क्षेत्र से 3 लोग प्रदेश में जाएंगे, और प्रदेश में हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता उनको वहाँ प्रदेश लेवल पे सम्मानित करेंगे। फिर वहाँ से हर स्टेट से 3 लोग दिल्ली जाएंगे, आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी उनको सम्मानित करेंगे। इसी प्रकार से हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा हर जिले में आज भाषण प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है।